नमस्कार, स्वागत है आपका। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में मेयर चुनाव की, जहां विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम में अब नया विवाद शुरू हो गया है। बुधवार को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान पार्षदों के बीच मारपीट और धक्का मुक्की की घटना हुई। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर मचे हंगामे के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चुनाव ना होने तक आपके पार्षद सदन में बैठे रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन जब तक नहीं होता, तीनों चुनाव नहीं होने तक वो डटे रहेंगे। आपको बता दें कि आपकी ओर से बीजेपी पर मेयर पर हमला करने का आरोप भी लगाया गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि मेयर पर हमले की घटना की शिकायत वो पुलिस में करेंगी। गुरुवार तड़के सदन की कार्यवाही को नवनियुक्त मेयर शैली ओब्रॉय ने चार बार स्थगित होने के बाद फिर से शुरू किया था। इस दौरान बीजेपी पार्षदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और हाउस को फिर से पांचवी बार स्थगित करना पड़ा। सदन में स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि पार्षदों ने बैलेट बॉक्स को ही उठाकर फेंक दिया। आपको बता दें कि अब सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और अगली खबर भी दिल्ली एमसीडी की ही है, जहां तीन बार टले जाने के बाद और लंबे समय तक विवाद में रहने के बाद भी एमसीडी का चुनाव कल 22 फरवरी को संपन्न तो हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओब्रॉय, जो दिल्ली की नई मेयर चुनी गई है, उनके ऊपर कहा जा रहा है कि भाजपा ने हमला किया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि अब बीजेपी ने एमसीडी के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी नगर निगम महापौर और उप महापौर जीत कर भी हार गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है। महापौर चुनाव में तो चार पार्षदों ने उप महापौर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और दो ने खाली पर्ची डाली, जो घोषित परिणाम में साफ दिख रहा है। बीजेपी और आप पार्षदों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई। अगली खबर कुमार विश्वास को लेकर के है। कुमार विश्वास को माफी मांगनी पड़ी। दरअसल कुमार विश्वास की रामकथा इन दिनों मध्य प्रदेश के उज्जैन में चल रही है। तीन दिवसीय इस रामकथा के पहले दिन ही कुमार विश्वास ने आरएसएस के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, जिससे संघ समेत बीजेपी कार्यकर्ता खफा हो गए। दरअसल किसी बात पर कुमार विश्वास ने यह कह दिया कि वामपंथी कुपड़ हैं और आरएसएस अनपढ़। इसके बाद नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर कुमार विश्वास ने माफी नहीं मांगी तो उनकी रामकथा जारी नहीं रहने देंगे, ना ही उन्हें उज्जैन में कदम रखने देंगे। इसके कुछ समय बाद ही कुमार विश्वास ने एक वीडियो जारी करके माफी मांगी है। वीडियो के जरिए कुमार विश्वास ने कहा है कि वो एक बच्चे से बात कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ऐसा कुछ बोला है, इसका लोगों ने गलत अर्थ निकाला है और उन्होंने लोगों से रामकथा में पहुंचने का अनुरोध किया। भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के पोते ने आज कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि सी आर केसवन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को लिखे पत्र में सी आर केसवन ने अपने इस्तीफे में इसकी कई वजह गिनाई। उन्होंने लिखे गए अपने इस्तीफे में कहा कि वो दो दशक से पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक काम कर रहे थे, लेकिन उनको इसका उचित प्रतिफल मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के विचारों का पूरी ईमानदारी से समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर दी जा रही जिम्मेदारियों को भी नहीं स्वीकारा और ये उनके लिए नया रास्ता तय करने का समय है। और उन्होंने तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने की अटकलों को केसवन ने खारिज किया और कहा कि उन्होंने किसी और पार्टी में शामिल होने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है।
राहुल गांधी शिलांग में अपने चुनावी रैली का संबोधन कर रहे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी और मीडिया के साथ साथ ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी शिलांग में हो रही चुनावी रैली के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मीडिया पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने उनसे सवाल किया था कि आपके नाम में गांधी है, नेहरू क्यों नहीं। राहुल ने कहा कि उन्होंने संसद में जवाब दिया, लेकिन मीडिया में फिर भी मोदी छाए हुए हैं। मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी भाषण देते हैं तो पूरे टीवी पर छा जाते हैं, लेकिन उनका भाषण कहीं नहीं दिखाई देता, क्योंकि पीएम मोदी से संबंध रखने वाले 2-3 बड़े उद्योगपतियों की ओर से मीडिया को नियंत्रित किया जाता है। शिलांग में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी बीजेपी और मीडिया पर तो बरसे ही, साथ साथ उन्होंने टीएमसी को भी लपेटे में ले लिया। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना धौंस दिखाने वाले बच्चों से तो की, वहीं बंगाल में हिंसा, शारदा घोटाला, गोवा में टीएमसी द्वारा खर्च किए गए पैसे आदि का जिक्र करते हुए उन्होंने टीएमसी पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी की इन टिप्पणियों के बाद अब टीएमसी भी उन पर हमलावर है। अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने तस्वीरें साझा करते हुए राहुल की रैलियों में भीड़ ना होने तो वही ममता बनर्जी की रैली में उमड़ी भीड़ की तुलना की और कहा कि कुछ लोग टीएमसी से क्यों परेशान हो जाते हैं, जनता समझ गई होगी। शिवसेना का पार्टी चिन्ह और उनके चुनाव चिन्ह तीर धनुष को लेकर आए चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से निराशा मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से मना कर दिया है। 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने शिवसेना पर एकनाथ शिंदे के दावे को सही पाया था। इस फैसले पर रोक लगाने की मांग कर रहे उद्धव ठाकरे को फिलहाल राहत नहीं मिली है। हालांकि कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि फिलहाल एकनाथ शिंदे पक्ष ऐसा कोई कदम ना उठाए जिसके चलते उद्धव समर्थन सांसद और विधायक अयोग्य करार दे दिए जाए। बागेश्वर धाम के पीठाश्रीधर धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई के खिलाफ SC ST एक्ट में केस दर्ज हो चुका है। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मध्य प्रदेश पुलिस को चेतावनी दी है। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मध्य प्रदेश पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर दलित उत्पीड़न के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम अगले कदम का ऐलान करेंगे। समाज के सम्मान और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम पर आरोप है कि उन्होंने एक शादी समारोह में घुसकर दलित परिवार को तमंचे के नोक पर धमकाया था, जाति सूचक गालियां दी और मारपीट भी की थी। दिल्ली के एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने और उसके शव को फ्रिज में रखने वाले आरोपी को साहिल गहलोत को बुधवार को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। निक्की यादव की हत्या करने वाले साहिल गहलोत को 12 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गहलोत और अन्य के विरुद्ध कई नए आरोपों को प्राथमिकी में शामिल किया है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्चना बेनीवाल ने आज गहलोत को जेल भेजने का आदेश जारी किया। गहलोत को 5 अन्य आरोपियों के साथ अब 6 मार्च को अदालत में पेश किया जाएगा। गहलोत के पिता, 2 चचेरे भाइयों और 2 दोस्तों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।
बुलेटिन में अब बात करेंगे मौसम की, जहां फरवरी के महीने में ही गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और देश के कई हिस्से फरवरी से ही हीट वेव की दिशा में रुख कर रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिमी राज्यों में तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर जा सकता है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आने वाली गर्मी में तेजी से बढ़ोतरी होगी। पहाड़ी राज्यों में भी तापमान बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तापमान 5 से 11 डिग्री तक ऊपर जाने की संभावना है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।